प्रकाशक चौथे अधिकार में आश्रव तत्व संबंधी आया था श्रद्धान हमने पिछली बार पूरा कर लिया था और बंध का भी हाँ रीडिंग भी पूरी हो गई थी बंध की हाँ तो बंध भी पूरा हो गया था तो अब हम संवर तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान इस बार से लेंगे। हमारे जीव अजीव तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान में बात शरीर से भेद विज्ञान की हुई थी, उसके बाद मोह राग द्वेष आदि भाव से भेद विज्ञान की बात आश्रव तत्व में है। तो जो जो राग मेरे में उत्पन्न होता है मिथ्यात्व उसके रूट्स में है, यानी कि मिथ्यात्व के कारण ही वो राग मेरे में उत्पन्न होता है। जिस काल में राग जीव में उत्पन्न होता है उसी काल में उस राग का ज्ञान भी हो। एक ही समय की पर्याय में ज्ञान गुण की पर्याय है जानना और चारित्र गुण की पर्याय में होता है राग द्वेष। तो एक ही समय में एक ही जीव में एक ही साथ क्योंकि ज्ञान और राग द्वेष उत्पन्न होता है, यानी कि जीव में ही उत्पन्न होता है, कहीं पर में भी उत्पन्न नहीं होता है, शरीर में स्पर्श रस गंध वर्ण में भी होता हुआ नजर नहीं आता है, उसी समय एक ही पर्याय में उत्पन्न होता हुआ नजर आता है। तो जीव को ये भ्रम होता है कि ये जो राग का स्वाद है और ज्ञान का स्वाद है ये दोनों एक ही है, यानी कि मैंने इस राग को जाना इसलिए मैं दुखी हूं। नहीं बात ख्याल है, राग का अनुभव और ज्ञान का अनुभव एक रूप होता है तो इसे लगता है कि ये ही मेरा स्वाद है, ये ही मेरा अस्तित्व है, ये ही मेरा स्वभाव है। थोड़ी एकदम सूक्ष्म हो रही है बात, सही है। राग के ज्ञान को ही वो अपना है, राग में एक होके प्रवर्तित होता है, एक समय में हो रहा है इसलिए वो राग को अपना ही मानता है, राग का ज्ञान ही अपना मान। राग का जिस काल में ज्ञान हुआ तो ये मान ये दोनों के स्वाद को एक समझता है, एक ही समय में हुआ, क्योंकि राग सुनना आकुलता स्वरूप है। राग का स्वाद कैसा है? राग का स्वाद है आकुलता स्वरूप, राग में शांति नहीं है। राग में निराकुलता नहीं है, राग में आकुलता है। कोई चीज आपको बहुत अच्छी लग रही है ना, मैं भी प्रतिकूल संयोग की तो बात ही नहीं कर रही, अपन अनुकूल संयोग की बात करो, सब अच्छा है, बहुत अच्छा है, लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं, चक्रवर्ती बन गया मैं तो, जो करूं उसकी तारीफ, मैं तो किसी का बुरा करने जाता हूं तो लोग अच्छा समझते हैं, इतनी अनुकूलता चल रही है। जब तुमने उस अनुकूलता को जाना तो तुम्हें अच्छा लगा, लेकिन अच्छे लगने के काल में भी वो अच्छा क्यों लगा? क्योंकि जब बुरा लगता है तो मुझे बहुत तीव्र ऊपर नीचे होता है बेचैन, मेरे हिसाब से हो क्यों नहीं रहा है, चल क्यों नहीं रहा है, उपयोग वही दिमाग खराब करता है। जब अनुकूलता होती है तो तुम्हें ये तो बढ़िया है, ये सही है। तो वो जो बेचैनी कम हुई तो अपेक्षाकृत मुझे आकुलता कम हुई, खत्म नहीं हुई, तो मुझे लगता है कि दिस इज बेटर देन दैट, तो यही सुख होना चाहिए। लेकिन सच्ची में क्या है कि वो जो उस समय तुम जान रहे हो ये भी बढ़िया वो भी बढ़िया, तो तुम्हारी जो गृद्धता है अभी बिगड़ नहीं जाए,
कुछ गलत नहीं हो जाए, नजर नहीं लग जाए, ये ऐसा ही चलता रहे, कहीं और गड़बड़ नहीं हो जाए, ये जो अंतर में चलती है अकुलता, जो विकल्प चल रहे हैं, विकल्प जाल, वो तुमको एकदम निराकुल होके शांति से नहीं रहे। तो निराकुलता कब है कि जब मैंने जान लिया कि हाँ पुण्य का उदय होता है तो देखो सब बढ़िया बढ़िया चल रहा है। हो सकता था कि इसमें मैंने ऐसा ही किया होता जितना मैं अभी कर रहा हूं और पाप का उदय होता, सब बिगड़ जाता। पाप का उदय हो अच्छा करने जाओ तो बुराई होती है, पुण्य का उदय हो बुरा करने जाओ और मान दे देते हैं लोग, तारीफ कर देते हैं। तो जो कुछ हो रहा है ये तो कुछ भी हो सकता था, सही भी हो सकता था, गलत भी हो सकता था, लेकिन जो हो रहा है हम इसको जान रहे हैं क्योंकि अच्छा हुआ, बुरा नहीं हो जाए, जगह ऐसा हुआ। इन दोनों में कहां शांति लगी आप? दोनों में शांति कहां लगी कि ऐसा हुआ, सिर फूट गया, जान मेरी बच गई, जान लिया, यहां शांति है ना। अरे सिर फूटा, अरे मैं बच गया, यहां शांति तो नहीं है ना, बच गया इसमें भी कहां शांति है। तो ये दोनों भावों के बीच में, अनुकूलता और प्रतिकूलता में, राग और द्वेष और शुभ और अशुभ के बीच में जो ये ज्ञान लगातार इसको जान रहा है, वो ज्ञान का अस्तित्व में, जो ये आकुलता अनुभव में आ रही है राग द्वेष रूप, वो मेरा गेर है, जान रहा हूं मैं, दैट्स ओके। अगर कोई व्यक्ति जौहर में लीन हो जाए मूवी देखते देखते, तो आंखों से आंसू आ जाए, दिल दहल जाए, घबरा जाए, इंपैक्टेड हो जाए, वो बस जान ले इस काल में मे बी अ फेबल्ड क्वीन, आई वी डोंट इवन नो इफ इट वॉज फॉर रियल, ठीक है उनके संस्कृति में, उनके वहां पर ऐसे मानते हैं और ऐसा किसी ने कदाचित किया होगा या करे, उसकी प्रेरणा स्वरूप एक कहानी बनी है, स्टोरी ओवर। अब इसके बाद में विकल्प को लंबाने की कोई बात ही नहीं। उस सिचुएशन में मैं होता तो, मैं होती तो, ये वो, ये इतने विकल्प लंबाते क्या हो रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, आकुलता बढ़ रही है, कार्य क्या हो रहा है, क्योंकि जैसे तुम कोई और मूवी देखते हो, जैसे तुम कोई न्यूज देखते हो, जैसे तुम पड़ोसी की खबर सुनते हो, ऐसे ही तुम न्यूज़पेपर पढ़ने के स्वरूप यदि अपनी घटनाओं को भी जान लोगे, तो ज्ञान 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 की निरंतरता में आकुलता कहीं भी नहीं। तो राग से भिन्न ज्ञान का स्वाद जिस काल में आता है, तो राग का अस्तित्व होते हुए भी आकुलता अपेक्षाकृत उतनी नहीं होती। चारित्रिक कमजोरी के बराबर जो होगा सो होगा, पर वो इतना नेग्लिजिबल है कि हम उसको ना के बराबर कहते हैं। तो ये बात आश्रव तत्व संबंधी भूल में बताएंगे। अब इसका अनुभव कैसे करना, ये भूल को निकालने के लिए किस प्रकार से विचार करना दिन रात कि होने दो जो होता है दिन भर, एक्सपेरिमेंटिंग ग्राउंड इज योर लाइफ डे एंड नाइट। भूख लगे तो भूख जानी, खाना खाया तो खाना जाना, गर्मी लगी तो गर्मी जानी, ठंडी लगी तो ठंडी जानी, लोगों ने अच्छा किया तो अच्छा जाना, बुरा किया तो बुरा जाना। अब देखो क्या मजा आएगा, हो सकता है हर सिचुएशन एक केस स्टडी है मेरे, हो सकता है लाइफ की हर घटना, दिन की दिनचर्या का हर एक वाक्य ये मेरे लिए एक एक्सपेरिमेंट।
एक्सपेरिमेंट है, केस स्टडी है, ट्रायल का ग्राउंड है, प्रैक्टिसिंग ग्राउंड है। सोचो तो जरा, अब बताओ जहां प्रैक्टिस चल रही है वहां पे फास्ट बॉल आ रही है कि स्लो बॉल आ रही है, कौन सी बॉल अच्छी है? Doesn't matter is the key. जब प्रैक्टिस में doesn't matter, तो प्रैक्टिकल में doesn't matter, तो फाइनल्स में doesn't matter. यही तो करते हैं मुझे, isn't it so simple? Aren't you feeling very powerful, very strong? अब आ जाए जो आना है, चलो देखते हैं आज क्या होता है, देखते हैं डॉक्टर क्या बोलता है, देखते हैं कौन सा उदय आता है। अजय सिर पे पत्थर तो नहीं पड़ रहे हैं पार्श्वनाथ मुनिराज की तरह, उतना तो पाप का उदय नहीं है। अब उनके भी पड़ गए तो क्या हो गया, कुछ बिगाड़ पाए क्या? मेरा क्या बिगाड़? अब सोचो एक बार, अब जोश देखो अंदर से आपका, क्या न्यूज दे देगा डॉक्टर? कैंसर है, हो जाए। आत्मा में अनादि से राग का कैंसर है, तो आत्मा का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, अनादि काल से एक गुण कम नहीं कर पाया, ये शरीर का कैंसर ही एक शरीर को लेके चला जाएगा, कैंसर नहीं लेगा तो कोई और लेगा, इससे मुझे क्या फर्क पड़ेगा? अब जरा सोचो तो आप, व्हाट कैन बी वर्स? अनादि काल से मैं कितनी हजार योनियां, 94 लाख योनियों में घूम लिया, और क्या बुरा होएगा मेरे साथ? अब बता दो आप, व्हाट वर्स कैन हैपन? आज तक मोक्ष नहीं गया, इसके अलावा और क्या वर्स होएगा मेरे साथ? बोलो, व्हाट इज द चैलेंज? क्या कर सकता है कोई पुद्गल का उदय इस जीव का? तो जो हो रहा है उसका मैं क्या करूं? अगला भाव बिगड़ गया तो इधर चला गया, तो उधर चला गया, तो ये गति हो गई, तो ये संयोग हो गया, तो जब यहां का संयोग कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है, तो अगले भाव का कैसे बिगाड़ेगा? मैं तो वही हूं, I'm not changing. और एक बात ध्यान रखना कि स्मृति आपकी खो सकती है, इस भव का अगले भव में याद नहीं रहेगा ना, इस भव में भी स्मृति खो सकती है, बीमारियां हो जाती है, लेकिन एटीट्यूड नहीं खोता। तो संस्कार है, जो मान्यता है, वो नहीं खोता, इस भव से उस भव में नहीं खोता, इस भव में पागल हो जाए तो नहीं खोता, स्मृति खोना तो दूर की बात, नहीं खोता, क्योंकि ज्ञाता तो वही है। जिसकी स्मृति खो जाती है वो अपनी भाषा भूल जाता है, क्यों? वो तो नई सीखी थी ना यहां पे आने के बाद, तो वो अपनी भाषा कैसे नहीं भूलता? मतलब मैंने तो लाइफ किसी ऐसे आदमी को देखा नहीं है, तो मुझे पता नहीं है, आप में से कुछ लोग को एक्सपीरियंस होएगा, ब्रश करना भूल जाता है, खाना खाना भूल जाता है, लैंग्वेज नहीं भूलता, तो लैंग्वेज क्यों नहीं भूलता मुझे ये बता? उसका टेम्परामेंट चेंज हो जाता है कि ऑल टूगेदर, कि पहले तीव्र कषाई हो फिर मंद हो जाए, कि मंद हो फिर तीव्र हो जाए, एटीट्यूड में काइंडनेस नोबलनेस हो तो मीन हो जाए, मीन हो तो काइंडनेस हो जाए, मतलब ओवरऑल जो, डज इट चेंज? मतलब आई डोंट हैव अ लाइव एग्जांपल, बट इफ एनी ऑफ यू हैव देन यू कैन डेफिनेटली शेयर दैट। इट चेंजेस, हां इट चेंजेस, व्हाट, ड्रास्टिकली कंप्लीटली और थोड़ा 19-20 दूर? नहीं नहीं, बहुत फर्क पड़ता, हो सकता है बहुत फर्क पड़ता। तो उसका कारण ये हो सकता है कि जो उसके सबकॉन्शियस में है वो अब उसके प्रकट रूप से आ रहा है, ये हो सकता है। क्योंकि मुझे ये पता है कि जैसे सुप्त अवस्था में जागृत अवस्था की अपेक्षाकृत जमीन आसमान का फर्क नहीं पड़ता, साइंटिस्ट लोग भी ये बात कहते हैं कि जब आप सोते हो उसमें जो आप फेसेस देखते हो, जो सिचुएशंस देखते हो, जो चीजें देखते हो, they may be a random combination of multiple things that you experience in your life otherwise, lekin they cannot be absolutely new. ye to scientist logon ki aayi hui khabar hai, google karke dekh le, ye accumulate ho jati hai, accumulate ho ke permutation combination ho sakta hai, kaan kutte ke ho, naak bhains ki ho, wo sab ho sakta hai, lekin end of the day
होती है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट यू हैव एक्सपीरियंस्ड इन योर जागृत अवस्था, वेदर यू हैव एक्सपीरियंस्ड और यू हैव इमेजिनड. इमेजिनेशन इज ऑल्सो अ फ्रेगमेंट ऑफ और यू नो कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेगमेंट्स ऑफ द लाइव एक्सपीरियंसेस इन वेरियस फॉर्म्स. क्योंकि शास्त्र में ये आता है कि सम्यक दर्शन हो जाए और उसके बाद पागल हो जाए, मेंटल गड़बड़ हो जाए, बेहोश हो जाए, कोमा में चला जाए तो सम्यक दर्शन छूटे, ऐसा नियम नहीं. यानी कि अंतरंग का वो श्रद्धा नहीं बदलता. तो मैं तो ये बात इसलिए बता रही हूं कि एक बार यदि वो चीज आ गई, गहराई से अंदर बैठ गई, तो फिर घबराने की जरूरत नहीं है कि मैं बाद में मेरे साथ क्या होगा, कि मैं कहां पहुंच जाऊंगा, फिर इस सब का क्या होएगा, वेस्ट, भूल गया, गॉन, कि ऐसा नहीं है. जाति स्मरण भी होते हैं, संस्कार भी चलते हैं, याद भी आ जाता है, इट डजंट कंप्लीटली चेंज, इट डजंट ऑल्टर. तो ये भेद विज्ञान का सिर्फ शरीर से नहीं करना, राग द्वेष से भी भेद विज्ञान. राग द्वेष से भेद विज्ञान करने का नाम ही मोह का त्याग है. ऐसे मोह को त्याग. तो ये बात आश्रय तत्व संबंधी भूल में आई. फिर बंध तत्व संबंधी भूल में हमने पढ़ा था कि जो मेन बात इसमें आई थी कि इसका मूल कारण, ये जो मोहराग द्वेष आदि परिणाम है वो कर्म है, पुद्गल कर्म है, तो इसलिए इन मोहराग द्वेष को मैं तो पुद्गल का ही कहता हूं, क्योंकि उसके बिना हो ही नहीं सकते. पानी गर्म हुआ तो जो गर्मी है उसमें वो पर निमित्त से हुई है, स्वाभाविक नहीं है, तो वो गर्मी अग्नि की, पानी की नहीं. तो यहां पे बंध तत्व में हमने कहा कि इसकी जिम्मेदारी इन सब की मेरी नहीं है, क्योंकि मेरे स्वभाव नहीं है. स्वभाव होते तो बात अलग थी, जब यहाँ पे ये केस नहीं है. और इसलिए फिर ये बताया कि जब भी इसको इसका कारण नजर नहीं आता है, कि जो भी चीजें हो रही है वो सूक्ष्म कर्म नजर नहीं आते हैं, तो ये कंफ्यूज हो जाता है, सोचता है कि या तो मैंने किया या भवितव्य ऐसी थी. वास्तव में एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. हमने लास्ट टाइम ये बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि हर गलती की सजा मिलेगी, हर अच्छाई का फायदा मिलेगा, अनुकूल प्रतिकूल संयोग के रूप में हर चीज का हिसाब है, एक एक भाव, एक एक परिणाम, सबका हिसाब है. एक पुस्तक है जो बड़े दादा ने लिखी है, पंडित रतन चंद जी भारत ने, इन भावों का फल क्या होगा, और उसके ऊपर उनके बेटे जो है सिद्धार्थ प्रकाश जी भाई, लोग बहुत लेक्चर्स भी देते हैं, तो काफी यूट्यूब वगैरह पर बहुत पॉपुलर भी है. उसमें वो एक घंटा एक एक उदाहरण देके ये बात समझाते हैं, इन भावों का फल क्या होगा. कभी ये विचार किया, हम प्रति समय जो परिणाम करते हैं अच्छे बुरे जैसे भी, कभी ये विचार किया कि इससे होगा क्या मेरे साथ. पर का तो जो होगा वो नहीं होगा, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं जिसको बिगाड़ के रहूंगा, ऐसे शब्द बोल दूंगा कि इसको चुभ जाए. अरे भैया, उसके चुभेंगे नहीं चुभेंगे, जो होगा नहीं होगा हमें नहीं पता, उसका पुण्य पाप, तेरे जो परिणाम आ गया इससे तेरा क्या होएगा. जो परिणाम किया है अगर तेरे को ये विचार आ जाए उस काल में कि मेरे इन भावों का फल मुझे क्या मिलेगा, उसको इतने कलुषित भाव आते ही नहीं है. ये बात समझ में आई. और आ भी जाए कभी कदाचित अचानक तो टिकते नहीं है. एक बात बताऊं, आप कोई, आपने वो कहावत आपकी गुजरात की है, चाय से केतली ज्यादा गर्म है, आपके यहाँ की है ना ये कहावत, इसका मीनिंग क्या होता है. कोई मालिक है, कोई नौकर है, पता चले मालिक रिलैक्स है और नौकर बड़े बड़े उछले जा रहा है, बात किए जा रहे हैं. मुझे एक बात बताना,
कि वो केतली को किसी का सर पे हाथ है इसलिए गर्म है कि खुद ही गर्म? 100% ना, वो चाय की वजह से केतली गर्म है, आप समझ नहीं रहे हो। उसको ये भरोसा है कि आई विल डू इट एंड आई विल गेट अवे विद दैट, उसके बिना नहीं हो जाता है, वो सपोर्ट चाहिए बैक एंड में, राइट? तो ऐसे ही राग द्वेष को श्रद्धान का सहयोग के बिना ज्यादा उछल नहीं सकता है। राग द्वेष की लिमिटेशन है, कितना उछलेगा अनंत तक जाएगा, अनंतानुबंधी राग होएगा, तो वो मिथ्यात्व के साथ ही हो सकता है, नहीं तो राग मैक्सिमम अप्रत्याख्यानावरणी हो सकता है, अनंतानुबंधी हो ही नहीं सकता है। मिथ्यात्व का हाथ हटा तो उसकी सीमा अप्रत्याख्यानावरण तक है। नहीं समझ में आएगी आपको बात, यानी कि राग किसी को यदि इस प्रकार का हो कि मैं इसको मार डालूं या खुद मर जाऊं, ये काम होके रहेगा, तो वो मिथ्यात्व के बिना नहीं हो सकता। पूछो क्यों नहीं हो सकता? तो ये मानता है ना कि ये तेरा जो भी लालच है, कॉज है, वो इतना बड़ा है कि इसको मार डालो कि खुद मर जाओ, कि कितना कष्ट हो जाए, खुद को हो पर को हो पर कार्य होना चाहिए, तो सुख बुद्धि है ना उसमें, कर्तृत्व भाव है ना, तो मिथ्यात्व है ना। मिथ्यात्व के बिना ऐसा राग हो ही नहीं सकता कि मैं मार डालूं कि मर जाऊं, कैसे होएगा? जब मैं मानूं कि मर जाऊंगा या मार डालूंगा, सुख तो कहीं भी नहीं मिलना है, काम हो जाएगा कि नहीं होगा तो भी कुछ नहीं होना है, वो क्यों मरेगा मारेगा? उसका राग ही था क्यों होगा, लॉजिकली बैठा ही नहीं ना। वो केतली को पता हो कि मैं ज्यादा उछला तो ये चाय मेरे को यहां से निकाल के फेंक देगी, तो वो केतली गर्म कैसे होगी? तो इसलिए वो राग द्वेष जो बोल रहे हो ना कि जो हो जाए और मैं उसे जान लूं, तो वो मिथ्यात्व की जाति का नहीं होता, जो जानने में आए वो सम्यक्त्व के साथ जो रह सकता है, और प्रत्याख्यानावरण का, प्रत्याख्यानावरण का संतुलन का वो हो सकता है। Did I answer your question? I'm again not sure about everybody if you are with me on this, but yeah. इसलिए अपना अभी देखो, हमको अभी क्या है, आगे आगे के लेवल की बात नहीं करनी, ठीक है? सामान्य ज्ञान बढ़ाने के लिए थोड़ा बहुत बेसिकली जो समझना है समझ लो कि आप प्रत्याख्यानावरण के टाइम क्या जाति का राग होता है, कैसे होता है, किस प्रकार आगे बढ़ता है। राइट नाउ व्हाट आर वी टैकलिंग इज मिथ्यात्व, राइट नाउ व्हाट वी आर टैकलिंग इज अनंतानुबंधी राग द्वेष। अनंतानुबंधी राग द्वेष का ज्ञाता तू मिथ्यात्व के जाए बिना नहीं हो सकता। मिथ्यात्व जाता है, अनंतानुबंधी जाता है, तो बाकी के अप्रत्याख्यानावरण आदि राग द्वेष का ज्ञाता बन सकता। आप ये पॉइंट समझे? जब भी ज्ञातापने की बात आएगी इसका मतलब है कि वो सम्यक दृष्टि है, मतलब वो अनंतानुबंधी राग द्वेष नहीं है, वो अप्रत्याख्यानावरण राग द्वेष है, या आगे का आएगा जो भी। क्यों? क्योंकि ज्ञाता श्रद्धान रूप से तू बनेगा कब? मिथ्यात्व जाएगा, और मिथ्यात्व के साथ नियम से अनंतानुबंधी जाते हैं। तो हमारे लेवल पे क्या करना कि भावना को नचाना। किस भावना को नचाना? कि भेद विज्ञान की भावना। किस परिणाम को नचाना? कि ये इन भावों का फल क्या होगा, कि ये भाव करके फायदा नहीं है, कि ये एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, कि मैं अनुकूल हो के प्रतिकूल उन संयोगों में ज्ञाता मात्र हूं, कि जीवन में जो हो इस दृष्टि से तो देख के देखो। क्या दृष्टि से देख के देखो? कि ये तो एक संयोग है, ये तो एक खुदगल का उदय है, ये तो आता जाता है, इसको मैंने जान लिया तो मुझे इम्पैक्टेड नहीं करेगा। तो क्या होगा ऐसे बार बार विचार करने से? ऐसे बार बार बुद्धि पूर्वक विचार करने से क्या हो? कि पानी है पत्थर पे चोट करेगा, कि एक बार गिरेगा तो टूट जाएगा चट्टान पानी से,
कि नहीं, अनादि काल का मिथ्या तो इतना मोटा फंसा हुआ है, इतने से एक सद्वचन से नहीं टूटेगा, एक सद्विचार से नहीं टूटेगा, लेकिन लगातार लगातार यदि वो धार एक ही जगह पे पड़ती रहेगी, पड़ती रहेगी, पड़ती रहेगी, रोज दिन रात, तो आखिरकार वो चट्टान में छेद। अब आप मुझे बताओ, बहुत सिंपलीफाई कर दिया है मैंने, कि तुम्हारी धार ने कितनी चोट करी आज? सेल्स वालों का एक बहुत अच्छा फंडा है, मोटिवेशन कर रहा हूँ ना, जैसे तो बहुत हार जाते हैं बेचारे, इतने प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, मीटिंग करते हैं, रिजेक्शन मिलता है, मना कर देते हैं लोग, तो ऐसे समझाते हैं कि देखो तुम्हारा क्या एवरेज होने वाला है पता है, हर 100 में एक क्लाइंट का तुम्हें धंधा मिलेगा, कन्वर्ट होएगा, हर 99 नो के बाद 100 जो होएगा वो येस होगा। तो अब तुम गए सपोज मीटिंग के लिए और क्लाइंट ने मना कर दिया, तो दुखी होने की बात है कि खुश होने की बात? हाँ, 99 करने हैं ना, दो चलो, आई एम ऑन 1, आई एम ऑन 2, आई एम ऑन 59, आई एम ऑन 89, 99 तक शांति रखेगा, और 99 में इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि सच्ची में उसको एक तो आदमी, तो एवरी फेलियर एड्स टू योर प्रोसेस, इज़न्ट इट? अब हम रोएंगे, क्यों रोएंगे? इतने साल से पढ़ते पढ़ते हो गए, सबने दर्शन तो कोई होने का नाम ही नहीं लेता है, जीवन निकल गया, पढ़ पढ़ के दिमाग ठोक ठोक के, पढ़ सुन सुन के, जा जाके कब होगा, कैसे होगा, अपने को तो समझ में आता है कि भाई मंदिर चले जाओ, शिखर जी चले जाओ, इतना ही समझ में आता है, ये सब अपने से नहीं। तो हम क्या बोलेंगे कि तुम्हारी जो चोट है वो चोट कम से कम 99,000 बार होगी, तो 1,00,000 भी बार सम्यक दर्शन होगा। अब बोलो कितनी बार चोट हुई? कि नहीं वो चोट वोट तो टाइम नहीं मिलता है उनको भी, इसके बाद याद ही नहीं आता, तो कैसे होगी, कब होगी? शास्त्र में अमृत चंद्राचार्य का वचन बता रही हूँ, अपने तो ज्ञान की इतनी सीमा नहीं है, कि यदि ये अभीक्ष्म ज्ञानोपयोग से आत्मा को जानने का पुरुषार्थ मैक्सिमम 6 महीने तक करे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि समय दर्शन, शास्त्र की बात बता रहे, गारंटी है आचार्य की, 6 महीने का टाइम दिया है, पर किसको? कि जो 6 महीने तक वाकई में उसको पुरुषार्थ जानने का करे, तो हम 6 महीने का टाइमर शुरू कर देते हैं, और पुरुषार्थ का क्या होता है कि हमारा तो कुछ हुआ ही नहीं, हमारे तो 6 साल हो गए, हमारे तो 60 साल हो गए, पुरुषार्थ नहीं है, पुरुषार्थ कैसे? मैंने अभी 2-3 हफ्ते पहले मम्मी जी को फोन किया जयपुर, तो मेरी तबीयत खराब हो रही है, खांसी हो रही है, जुकाम हो रही है, शरीर टूट रहा है, पांव दुख रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मौसम बहुत खराब है वगैरह वगैरह, तो मैंने कहा डॉक्टर वॉक्टर को दिखा दो, मतलब दवाई लो जो भी करना है, तो 3 डॉक्टर को दिखा दिया, पिछले 2 हफ्ते से दिखा रही हूँ, अलग अलग को दिखा दिया, होम्योपैथ को दिखा दिया, आयुर्वेद को दिखा दिया, एलोपैथ को दिखा दिया, सबको दिखा दिया, एक्सरे करा लिया, पांव का सब करा लिया, मैंने कहा कुछ भी नहीं हो रहा, फिर भी कुछ भी नहीं हुआ, मैंने तो दवाई खाई थी जो हमने दी थी। तो अरे इतनी सारी दवाइयां लिख देते हैं, ये खा लो, वो खा लो, ये करो करो, मैं तो कुछ नहीं लिया। मैंने बोला 3 डॉक्टर क्या, 300 डॉक्टर दिखा दो, क्या होगा, 2 हफ्ते क्या, 2 साल दिखा दो, दवाई तो आपको लेनी नहीं है, आप किसको दिखाऊं, किसी को मत दिखाओ, क्या फायदा होएगा दिखा के, डॉक्टर के देखने से आपकी बीमारी सही हो जाती है, मतलब लॉजिक क्या है? हम भी तो यही कर रहे हैं, आप
का समय सार कितनी बार पढ़े, मोक्षा प्रकाशन भी सुन लिया, मंदिर भी चले गए, स्वाध्याय भी कर लिया, सब तो कर लिया हमने, भेद विज्ञान की भावना भाई जब आपने कही थी उस वक्त मुझे लगा था कि ये सही है, वो सही है, वो सही है, किया क्या उसके बाद? कुछ नहीं किया तो काम कैसे होगा? तुम 6 महीने का टाइमर शुरू करते हो, काम तो कर देंगे। तो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? वो चट्टान के ऊपर पानी का गिरना एक ही जगह पे, वो कौन सी एक जगह है ये हमने बता दिया, ये देशनालब्धि का काम है, ये शास्त्रों ने बता दिया, ये अर्हंतों ने बता दिया, क्या भावना भानिए ये कुंदकुंदाचार्य ने समझाया ना हमें, किससे भेद विज्ञान करना है, ये मोक्षा प्रकाशक एक एक श्रद्धांत समझा रहा है ना, तो चोट कहाँ करनी है ये तो बता दिया सबने हमको, लेकिन कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो वो तुम्हारी जगह अर्हंत भगवान करे इस भावना को भाई, कि प्रवचनकार करे, कि तुम्हारा शिष्य करे, कि एक आदमी को 10,000 रुपए दे दो कि तू रोज ये भावना भाले मेरे लिए आउटसोर्स करोगे, उसको हो जाएगी। हाँ? उसको हो जाएगी। सरोगेट का तो नहीं है ना यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास, हर काम आउटसोर्स कर देना है हमको, तो वो भावना लगातार भाना, कौन सी भावना लगातार भावना? भेद विज्ञान की भावना। कैसे भाना? कि थियोरेटिकली नहीं, जीवन के एक एक दिनचर्या के एक एक पल में जब राग हो, कब राग नहीं होता मुझे बताओ, कौन सी सिचुएशन का वेट करते हो बताओ? बहुत बार हमारे साथ पता क्या होता है, हम सोचते हैं अभी नेक्स्ट प्रतिकूल संयोग आएगा ना मैं ऐसे ही सोचूंगी, नेक्स्ट प्रतिकूल संयोग के वेट करने की क्या जरूरत, अगली बार चोट लगेगी ना तब ऐसा विचार करो, बुरे संयोग। भेद विज्ञान अच्छे संयोगों में नहीं होता, राग अच्छे संयोगों में नहीं होता, शांति से बैठना हो तो सारे दिमाग में उल्टे उल्टे घूमते हैं, और भेद विज्ञान करना है तुमको लगता है नहीं सब ठीक ही है ना, अभी तो अभी किसका विचार करो, यू हैव टू वेट, यू हैव टू सर्च राग द्वेष के लिए, कि एक समय नहीं बीतता मेरे 24 घंटे में जब राग द्वेष नहीं हो, जिस समय नहीं हो उसी समय का नाम समय दर्शन की पर्याय है, तो यानी कि लगातार लगातार ये कार्य हो सकता है, और जिसके लगातार होना शुरू हो जाता है उसको 6 महीने का भी वेट नहीं करना चाहिए, तो आउटर साइड है, मैक्सिमम है ये काम तो अंतर मुहूर्त में होता है, ऐसा भी आता है शास्त्रों में लिखा हुआ कि जैसे मरने वाले को जिंदगी चाहिए होती है ना तो तड़प होती है, पानी में जिसको डाल दो सिर्फ उसको ऑक्सीजन की जो तड़प होती है, मछली को बाहर निकालो तो पानी की जो तड़प होती है, ऐसी तड़प इसको अपने आप को जानने की जिस दिन जागृत हो जाएगी तो मान लेना कि समय दर्शन होगा ही होगा, क्योंकि फिर उसको जो करने के लिए चाहिए साधन वो सब आपके पास आज विद्यमान है, चाहे उपशम लब्धि चाहिए, विशुद्धि लब्धि चाहिए, देशना लब्धि चाहिए, सब है आपके पास, यू आर जस्ट नॉट डूइंग इट, तो ऐसा ये कार्य है, और इसलिए ये समझाया जा रहा है या बंध तत्व में कि ये भावना हमें समझनी चाहिए, जो कारण नहीं नजर आता है वो कारण है इसके पीछे, तो इनकी ओनरशिप, मोह राग द्वेष आदि भावों की ओनरशिप ये पुद्गल के खाते में, हम कर्मों के उदय के खाते में डाल देंगे। फिर संवर तत्व संबंधी यथा श्रद्धा नया, तो संवर निर्जरा में एक का एक तो बहुत सीधी सीधी बात आई कि जो आदमी आश्रव और बंध को समझेगा तो वो संवर और निर्जरा को भी समझेगा, और जो आश्रव बंध नहीं समझेगा तो संवर निर्जरा नहीं समझ सकता है, पूछो क्यों, इसका जवाब आपके पास ही होगा, आश्रव का अभाव संवर है और बंध का अभाव निर्जरा है, तो जिसका अभाव करना है जब वो क्लैरिटी है तो अभाव होके क्या सिचुएशन होती है वो फिर हम आपको समझा सकते हैं, तो सबसे पहले इनने कहा कि आश्रव का अभाव होना सो संवर है, जो आश्रव को यथार्थ नहीं पहचाने उसे संवर का यथार्थ श्रद्धान कैसे हो,
जैसे किसी के अहित रूप आचरण है उसे वह अहित रूप भासित ना हो तो उसके अभाव को हित रूप कैसे माने? तो राग को बुरा नहीं मानेगा तो वीतरागता को अच्छा कैसे मानेगा? जैसे जीव को आश्रव की प्रवृत्ति है उसे वह अहित रूप भासित ना हो तो उसके अभाव रूप संवर्ग को कैसे हित रूप माने? अब ये बोल रहे कि अनादिकाल से जीव को आश्रव ही हुआ, संवर तो कभी हुआ ही नहीं। तो प्रॉब्लम क्या है कि संवर का होना इसे भासित नहीं होता। मतलब संवर में सुख है, उसमें प्रोबेबिलिटी हो सकती है सुख की, ये बात इसे एक्सेप्ट ही नहीं होती कि मैं तो आज तक एक्सपीरियंस नहीं किया, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, वो अनसर्टेनिटी लगती है बहुत ज्यादा। तो बोल रहे हैं कि संवर होने पर सुख होता है वो उसको कभी लगता ही नहीं है, वो भासित ही नहीं होता है, डजंट फील रियली यहां से कि संवर होगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। संवर से आगामी काल में दुख नहीं होगा वो भी भासित नहीं होता। संवर सुख स्वरूप है और आगामी काल में सुख को देने वाला, आश्रव दुख स्वरूप है और आगामी काल में दुख को देने वाला। सारे लोग दो दो काम करते हैं, प्रेजेंट भी बिगाड़ते हैं फ्यूचर भी बिगाड़ते हैं आश्रव। और संवर प्रेजेंट भी सुधारता है और भविष्य भी सुधारता है। ऐसी चीजों के बारे में भी विचार करना जो अन्य मति भी कई मानते हैं। यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये जो करौंत है इसमें कट जाओ जाके, सुना है ना आपने, तो कुआ होता है उसमें वो चार वो लगे होते हैं ब्लेड जैसे, बोलते हैं इसमें कूद जाओ जाके तो अभी कष्ट होएगा लेकिन बाद में स्वर्ग मिले। मुस्लिम क्या बोलते हैं, जिहाद करो अपने अल्लाह के नाम पे कुर्बान हो जाओ तो जन्नत मिली। मतलब आज प्रॉब्लम जो भी है उसको फेस करो, आज अपने आप को टॉर्चर करो, ऐसे ऐसे लोटो, इतने इतने पाँव में छाले होने दो, कोयले पे चल लो, मतलब व्हाटएवर टॉर्चर्स, एक टांग पे खड़े हो जाओ, ये लटका लो, उल्टे हो जाओ, आज सब कुछ कर लो जो तकलीफ हो सकती है तो फ्यूचर में सुख मिले। लेकिन लॉजिक कैसे समझ में आया, लॉजिक बैठा क्या इस बात में आपका कभी कि आज प्रॉब्लम हो और फ्यूचर में अच्छा हो जाए? बच्चों को भी ये पढ़ाते हैं, आज पढ़ाई कर ले, आज थोड़े परेशान हो ले, स्लॉग कर ले, फ्यूचर बहुत ब्राइट हो जाएगा। ऐसे बच्चों का कैसे ब्राइट होएगा? लॉजिकली बात बताए कैसे बैठती है, जिस सब्जेक्ट में उसको आज इंटरेस्ट है और मजा आता है उसमें ही आगे जाके करेगा और अपने वर्क को एंजॉय करेगा तो ज्यादा सक्सेसफुल होगा, या अभी पढ़ पढ़ के उसको बिल्कुल मजा नहीं आता है पढ़ेगा तो फ्यूचर में जाके सक्सेसफुल हो जाएगा? लॉजिक तो हमेशा कनेक्ट होना चाहिए ना। तो संवर में भी ऐसा है, आश्रम में भी ऐसा है। जो आज दुख रूप है वो भविष्य में कैसे सुख देगा, और जो आज सुख रूप है वो भविष्य में डेफिनेटली सुख देगा। तो संवर में ये बात भी इन्होंने हमको बताई कि संवर आज भी सुख रूप है और भविष्य में भी सुख को देगा। आ गया, हाँ, इसलिए आश्रव का तो संवर करता नहीं है और उन अन्य पदार्थों को दुखदायक मानता है, उन्हीं के ना होने का उपाय किया करता है, परंतु वे अपने अधीन नहीं है, वृथा ही खेद के लिए। क्या बात बताई यहाँ पे, दुखी क्यों था? राजेश की वजह से, जो आश्रव है दुख का कारण था मेरा राग द्वेष, ना कि वो पर पदार्थ जिसके प्रति राग द्वेष हुआ। ये उपाय क्या करना चाहिए इसको आइडियली, कि राग द्वेष नहीं, पर ये करता क्या है कि दूसरे पदार्थ ने जो इसका निमित्त कारण है राग द्वेष होने का उसको सुधार की कोशिश करता है कि मेरा ये राग द्वेष सही हो जाएगा, मतलब इससे जो दुख हो रहा है वो सही हो जाएगा। पर उससे तो राग द्वेष और बढ़ता ही है ना, घटता कैसे है? जब तुमने पर पदार्थ को अपने अनुकूल करने की कोशिश करी, कैसे कि जैसे मैंने कहा मैं इस आदमी को बदल के रहूं, ये मुझे बहुत प्रतिकूल सहयोग देता है, इसको मैं चेंज कर दूंगा। आज प्रतिकूल करता है तो तू द्वेष कर रहा है, उसको चेंज कर देगा तो क्या होएगा? राग हो जाएगा, वीतरागता तो नहीं होगी। तो तू द्वेष से राग, फिर वो वापस बदल जाएगा तो फिर द्वेष में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सॉल्यूशन तुम क्या करते हो कि ये बहुत गर्म है ना यहाँ पे, एक पाँव पे रहो फिर दूसरा पाँव उसी गर्म पे रख देते हो, तो
तो ये पांव को जो राहत मिलती है ना गर्म से, उसमें खुश हो गए, बच गया। अरे दूसरा पांव तो वापस नहीं पड़ गया। योर सोल्यूशन इज रॉन्ग। तो बोल रहे हैं ये आश्रम को सही करने के लिए पर पदार्थ को चेंज करता है। सच्ची में क्या करना चाहिए था? ये जानना चाहिए था कि मेरे दुख का कारण पर पदार्थ नहीं, ये राग द्वेष है, तो राग द्वेष खत्म करूं तो संवर हो। यानी कि संवर इज द सोल्यूशन, पर पदार्थ इज नॉट द सोल्यूशन। ये बात यहां पर, ये संवर तत्व संबंधी भूल है। और वृथा ही खेद खिन्न होता है, फालतू में। वृथा वर्ड का मतलब पता है? फालतू में, अननेसेसरीली, व्हाट अ वेस्टेड एफर्ट। खेद खिन्न होता है, अरे यार ये तो हुआ ही नहीं, अरे अब क्या करें, अरे सब बिगड़ गया, परेशान होता है। इस प्रकार संवर तत्व का अयथार्थ ज्ञान होने पर अयथार्थ श्रद्धान होता है। और निर्जरा भी बहुत सिंपल है और मोक्ष भी, तो ये दोनों में लेके अभी पूरा करती हूँ 5 मिनट में। तथा बंध का एक देश अभाव होना सो निर्जरा है। बंध का एक देश अभाव निर्जरा, और बंध का संपूर्णतः अभाव मोक्ष। जो बंध को यथार्थ नहीं पहचाने उसे निर्जरा का यथार्थ श्रद्धान कैसे हो? सेम पॉइंट हियर। जैसे भक्षण किए हुए विष आदि से दुख का होना न जाने तो उसे नष्ट करने के उपाय को कैसे भला जाए? इजी है, सिंपल है। उसी प्रकार बंधन रूप किए कर्मों से दुख होना ना जाने तो उनकी निर्जरा के उपाय को कैसे भला जाए? यहाँ पे मेन बात यह है कि मैं दुखी कर्म बंध के कारण हूं या पुण्य या पाप के उदय के कारण। इस क्वेश्चन को और रिफाइन, चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, किसी का भी उदय आएगा तो मैं दुखी होऊंगा, या दोनों का ही उदय नहीं आएगा तब जाके मैं सुखी होऊंगा? हम चॉइस करते हैं कि नहीं, पाप के उदय में दुख, पुण्य के उदय में सुख। तो हम सारे एफर्ट्स क्या करते हैं कि पुण्य बांधो। यू चूज बिटवीन द टू। एक आदमी ने बोला कि तुम्हें मैं इच्छा वरदान देता हूं। राजा ने बोला इच्छा वरदान देता हूं, तुम मांगोगे एक लास्ट इच्छा पूरी की जाएगी, बोलो तुमको कैसे मरना है? तुमको पत्थर मार मार के मारे या एक सेकंड में फांसी में लटका दे? आप क्या मांगते हैं? हाँ, यही तकलीफ। मैं तो बोलती एक एक इच्छा पक्का कुछ भी मिलेगा ना, मारो मत, मारो मत। ये आदमी फांसी में लगता है फिर कि पुण्य का उदय आता है पाप का उदय? व्हाट इज बेटर? व्हाई डोंट यू थिंक कि दोनों में से कुछ नहीं हो तो क्या हो? हाँ, तो हम जितने भी एफर्ट्स करते हैं धर्म के नाम पे सुखी होने के लिए, निराकुल होने के लिए, पुण्य क्या करने लग जाते हैं? अब विचार करना, अब सारी चीजें विचार करना। स्वाध्याय करने की बात कर रही हूं, स्वाध्याय करने की, करें कि नहीं करें? आप बताओ, सुखी होना है तो स्वाध्याय करूं? हाँ, फांसी चूज कर रहे हो। स्वाध्याय करना, लेकिन मानना नहीं कि मैं डर कि स्वाध्याय करने से सुखी होऊंगा ऐसा नहीं है। अब बोल रहे हो सही है, पर अभी पहले ये स्टेज से जाएंगे। क्या? कि स्वाध्याय करने से तो सुख नहीं मिलेगा, ये बात तो गारंटी है। क्यों? स्वाध्याय करने से पुण्य मिलेगा, निराकुलता नहीं मिलेगी। अभी अच्छा लग रहा है ना, ये पॉइंट चलो बाबा, ये टेंशन भी गई, अभी हम तो इसी से घबराते रहते थे। स्वाध्याय करने से सही ज्ञान होता। बिल्कुल, हम सही ज्ञान करने के लिए, निराकुलता रूप जो ज्ञाता भाव है वो प्राप्त करने के लिए स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय स्वयं अपने आप में मुझे सुखी नहीं कर सकता है, क्योंकि पुण्य स्वरूप है। ऐसा विचार किया तो ये पुण्य स्वरूप है। मंदिर जाना ये पुण्य स्वरूप है, व्रत उपवास करना ये संयम रखना।
जो भी क्रियाएं करते हैं ये सब पुण्य स्वरूप है और अहंकार भी बढ़ सकता है। बिल्कुल, जब जब पुण्य में इसको शांति मिलती है तब ये सारे बाकी की कषाय अपने जोर मारने आ जाती है। पुण्य का लोभ भी तो लोभ है, कषाय है। तो क्या करना कि सबसे पहले ये मानो, मानो क्या, मानो कि ये सब जो पुण्य करेगा वो पुण्य भी बंधन है, वो पुण्य भी संसार का स्वरूप है, आकुलता रूप, सोने की बेड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या करो कि स्टेपिंग स्टोन है, मैं यूज कर रहा हूं स्वाध्याय को, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन सेइंग दैट, मैं यूज कर रहा हूं स्वाध्याय को कहां पहुंचने के लिए कि निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा को जान के शांति प्रकट हो। किसी शास्त्र के किसी प्रवचनकार को, किसी ग्रंथकार को, लेखक को, आचार्य को, स्वयं भगवान अरहंत देव को, तीर्थंकर को कभी आपत्ति नहीं होगी कि तुमने स्वाध्याय छोड़ के आत्म ध्यान क्यों किया, क्योंकि मुक्ति स्वाध्याय करते करते नहीं होगी, मुक्ति आत्मलीनता से होती। क्या करते करते मुक्ति होती है, मुक्ति होने के जस्ट पहले क्या अवस्था होती है कि वो स्वाध्याय की नहीं होती है, वो आत्मलीनता की होती है। वो आत्मलीनता ये जाने बिना नहीं होगी, इसलिए मैं ये जानने के लिए स्वाध्याय को फॉर द टाइम बी करता हूं। जब ये एक्सपेरिमेंटिंग करोगे उस काल में क्या करोगे, तब पुस्तक पढ़ रहे होगे या विचार चल रहा होगा कि तत्व विचार भी स्वाध्याय का ही रूप है, उस चीज को याद कर रहे होगे, ये उपदेश देना, पांच भेद आते हैं स्वाध्याय के, पांचना, पृच्छना, अमनाय, अनुप्रेक्षा और उपदेश, सब स्वाध्याय के रूप है। और इनमें से पांचों में से कुछ भी हो रहा हो तब तक निराकुलता नहीं होती, ये छोड़ के निराकुलता। तो ये बात यहां निर्जरा तत्व में समझाई गई है कि कहा गया है कि बंधन रूप किए कर्मों से दुख होना ना जाने तो उनकी निर्जरा के उपाय को कैसे बना जाए, यानी कि पुण्य भी छोड़ के मोक्ष होएगा ना, पुण्य भी छोड़ के मोक्ष करोगे ना, जब नष्ट होएंगे कर्म तो पुण्य भी नष्ट होएगा। तो हमारा ऑब्जेक्टिव पुण्य कमाना नहीं, पुण्य को भी नष्ट करना। अब जिस चीज को नष्ट करना है उसको कमा के क्या करोगे, तो मेरा फोकस वो नहीं है, बाकी मैं काम करूंगा उसमें वो मुफ्त में पुण्य बन जाएगा, वो अलग बात है, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। अब मेरे को तो पढ़ना है, मुझे पुण्य नहीं कमाना है, मुझे पढ़ना है, मैं पढ़ रहा हूं, पुण्य बंध रहा है तो बंध जाए, जब तक मैं क्या करूं, हाउ व्हाट कैन आई डू इन दैट, राइट, बंध रहा है बाद में उसे भी नष्ट कर देंगे, छोड़ो, नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ये बात यहां आई, अब समय तो हो गया है काफी। तथा इस जीव को इंद्रियों द्वारा सूक्ष्म रूप जो कर्म उनका तो ज्ञान होता नहीं है, और उनमें दुखों के कारण भूत शक्ति है उनका भी ज्ञान नहीं है, इसलिए अन्य पदार्थों के ही निमित्त को दुखदायक जानकर उनका ही अभाव करने का उपाय करता है, परंतु वे अपने अधीन नहीं है, तथा कदाचित दुख दूर करने के निमित्त को इष्ट संयोग आदि कार्य बनता है तो वह भी कर्म के अनुसार बनता है, इसलिए उनका उपाय करके वृथा ही खेद करता है। तो जो बात हमने आश्रम में बताई थी, बंध में बताई थी, संवर में बताई थी, उसका ही एक्सटेंडेड रूप यहाँ पे आया कि ये वही लगा रहता है उन पर संयोगों में कुछ कुछ करने में जो कि वृथा है, और वहां पे उसको खेद होता है उन संयोगों को जुटाने में या हटाने में, तो हमें नहीं करना चाहिए। ऐसे निर्जरा तत्व का अयथार्थ ज्ञान होने पे अयथार्थ श्रद्धान होता है। तो ये बात करी मोक्ष, मैं नेक्स्ट टाइम में ले लूंगी पुण्य पाप के साथ, फिर हम मिथ्या ज्ञान में जाएंगे। तो इस तरीके से हमने मुख्य मुख्य सारे तत्वों की बात यहाँ पे आज, अयथार्थ ज्ञान क्या होता है, अयथार्थ श्रद्धान उसके कारण कैसे होता है, ये चर्चा करी। अभीक्ष्म ज्ञान उपयोग से इस विचार को हम अपने मन में बारंबार अभ्यास रूप से लाएं, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इस एक वाक्य के साथ मैं आज का रुकती हूं। सहजानंदी शोध स्वरूपी
शुद्ध स्वरूप।